हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरी केंद्र सरकार से ये विनती रहेगी कि कोरोना के कारण जो कि स्थिति आज देश में और हर स्टेट में जो निर्माण हुई है उसको मध्य ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार तुरंत रिजर्व बैंक से ये गाइडलाइंस इश्यू करें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि लोगों की से हम लोगों के जरिए जो इंस्टॉलमेंट रिकवर किया जाता है ईएमआई है क्रेडिट कार्ड का जो रिपेमेंट है इन सब रिपेमेंट्स और बैंकों से लिया हुआ कर्ज के हफ्ते हैं इन सबको एक टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड किया जाए ऐसी मेरी मांग केंद्र सरकार से है। आज के जो हालात है उस हालात को ध्यान में रखते हुए लोगों से ये कहा गया है कि आप घर में बैठिए। ये बहुत अनिवार्य है कि लोग जब तक घर में पूरी तरीके से नहीं बैठेंगे और अपना पूरा बाहर जाना बंद नहीं करेंगे तब तक कोरोना का फैलाव पर हम लोग काबू लाने में सफल नहीं होंगे और इसीलिए राज्य सरकार ने हर जगह पर 144 लगा दिया है लोगों को घर से निकलने की पाबंदी की है और आप समझ सकते होंगे बाहर नहीं जाने के कारण व्यापार ठप हो गया है। जो छोटे मोटे हमारे मजदूर हैं बाहर श्रमजीवी हैं जो अपनी दिन भर काम करके रोजी रोटी कमाते हैं उनका नया प्रॉब्लम निर्माण हुआ है। व्यापार बंद होने के कारण बिजनेस बंद होने के कारण जो व्यापारी है ट्रेडर्स है बिजनेसमैन है उनका भी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है और नौकरी में काम करने वाला आदमी भी आज घर में बैठा हुआ है। तो एक अलग सी स्थिति आज पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी निर्माण हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि बाकी तो व्यवहार पूरा बंद हुआ है एसेंशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने अनुमति दी है बाहर जाने के लिए गाड़ियां अप्लाई करने के लिए बाकी सभी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक तरफ सस्पेंड सर्विसेज बंद हुए और दूसरी तरफ उनकी जो ईएमआईज है उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स है कर्ज का हफ्ता है इनकी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है ये सब पेमेंट्स अभी भी जारी है इसके ऊपर कोई पाबंदी लगी नहीं है। इसके एक भी अगर व्यक्ति का इंस्टॉलमेंट अगर रुक जाता है तो उसके सिविल पे उसका विपरीत परिणाम होता है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए मेरी ये केंद्र शासन से गुजारिश है कि वो तुरंत रिजर्व बैंक के जरिए गाइडलाइंस इश्यू कर दे बैंकों को कि तुरंत ईएमआई को रोका जाए तुरंत जो लोन इंस्टॉलमेंट्स है उसको टेम्पररी सस्पेंड किया जाए जो रिकवरीज लोगों की है उसको रोका जाए और लोगों को ऐसे बुरे हालत में उनको राहत देने की जरूरत है। और दूसरी बात खास करके है कि जीएसटी के जो मार्च एंड तक जो भी रिटर्न्स फाइल करने हैं इनकम टैक्स से संबंधित जो भी 31 मार्च के पहले जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है उसको भी तुरंत एक डेढ़ महीने के लिए उसको एक्सटेंशन देना चाहिए ताकि उसमें कोई नई दिक्कतें निर्माण ना हो।